तेज रफ्तार कार ने फुटपाथ पर सो रहे 9 लोगों को रौंदा। यह दिल दहला देने वाली घटना किस परिसर की है, जाने के लिए देखते हैं यह खबर। एक तेज रफ्तार कार ने फुटपाथ पर सो रहे 9 लोगों को रौंदा। इस हादसे में 2 लोगों की जगह पर ही मौत हो गई तो 7 लोग गंभीर घायल होकर उन पर मेडिकल अस्पताल में उपचार शुरू है। यह दिल दहला देने वाला हादसा रविवार मध्यरात्रि 12:30 बजे के दौरान वाठोड़ा पुलिस थाना अंतर्गत दिघोरी टोल नाके के पास हुआ। इस मामले में कार चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया है। कांतिबाई गजूड़ बागड़िया उम्र 42 करवली बूंदी राजस्थान निवासी और सीताराम बाबूलाल बागड़िया उम्र 30 यह मृतकों के नाम है। तो कविता बागड़िया, सुमन बागड़िया, सीना बागड़िया, सकीना बागड़िया, सम्मत खजूर बागड़िया, बुरा हनुमान बागड़िया, पानबाई मानसिंह बागड़िया घायलों के नाम है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक एक तेज रफ्तार कार रविवार मध्य रात्रि 12:30 बजे के बाद उमरेड रोड से नागपुर आ रही थी। टोल नाके के सामने से गुजरते हुए कार चालक का नियंत्रण छूटा, जिससे वह कार रास्ते के समीप किनारे पर फुटपाथ पर चढ़ गई, जहां इस फुटपाथ पर मिट्टी के बर्तन बेचने वाला बंजारा परिवार सोया हुआ था। इस परिवार में 3 महिला, 4 बच्चे और 1 पुरुष, ऐसे 9 लोग फुटपाथ पर थे। इस हादसे में 9 लोग गंभीर घायल हुए। हादसे के बाद कार चालक घटनास्थल से फरार हुआ। हादसे की जानकारी मिलते ही वाठोड़ा पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को जल्द अस्पताल में दाखिल किया। गंभीर घायलों में से 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है तो बचे 7 लोगों पर मेडिकल अस्पताल में उपचार शुरू है। आरोपी कार चालक भूषण लांचेवार को वाठोड़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया है।